में जानेंगे एक शेयर क्या है, शेयर किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और इसे कहां से खरीदना है और इसकी को खरीदने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये सारी अक्सर आप न्यूज में सुनते होंगे, इस कंपनी का शेयर बढ़ गया है या इस कंपनी का शेयर गिर गया है या पूरा शेयर मार्केट क्रैश हो गया है। शेयर मार्केट का मतलब जहाँ पे शेयर बिकते हैं वो पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप सुनते हैं। और आप कभी किसी व्यक्ति के मुँह से भी सुनते होंगे, मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा था, वो पहले 1,000 रुपया था, अभी वो 2,000 रुपया हो गया है, यानी मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है यहाँ पे, या इससे ज्यादा भी प्रॉफिट मुझे हो गया है, या मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा था मुझे नुकसान हो गया है, जो है इस प्रकार से भी आप सुनते होंगे। तो शेयर है क्या, सबसे पहले ये जानते हैं। यहाँ पे जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है, वो अपने कंपनी के मालिकाना हक को, यानी जब कोई कंपनी अपने पूरे पूंजी को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करती है, यानी अब जो है अपने पूरे पूंजी को छोटा छोटा टुकड़ा करती है, उन्हीं टुकड़ों को शेयर कहते हैं। मान लो कोई कंपनी का कुल पूंजी 1,000 रुपये है, अब वो जो है वो अपने 1,000 रुपये को एक एक रुपये के जो है टुकड़ों में बांट देती है, तो उसके पूरे टुकड़े हो गए 1,000। तो उन्हीं जो 1,000 टुकड़े होते हैं उन्हीं टुकड़ों को शेयर कहते हैं, जो एक टुकड़ा होता है उन्हीं टुकड़ों को, उन्हीं सभी टुकड़ों को शेयर कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा शेयर किसे कहते हैं। अब मान लो 1,000 रुपये के जो पूरी कंपनी का 1,000 रुपये पूरा पूंजी था, अब उसमें से वो कंपनी के जितने शेयर यानी जितने हिस्से आप खरीदेंगे उतने हिस्से के मालिक, उस कंपनी के उतने हिस्से के मालिक आप हो जाते हैं। जैसा कि जो है मान लो आपने उस कंपनी का 100 शेयर खरीदा तो आप जो है 10% के मालिक हो जाते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप जो है इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके एक एक शेयर के दाम 2,000 रुपये, जैसे रिलायंस के लगभग 2,000 रुपये के एक शेयर है, उसके करोड़ों में शेयर है। तो यहाँ पे आप अगर उसका 10% का मालिक बनना चाहेंगे तो आपको करोड़ों अरबों रुपये लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से वो कंपनियां अपने पूरे हिस्से को यानी अपने पूरे पूंजी को टुकड़ों में बांटती है, उन्हीं टुकड़ों को शेयर मार्केट में बेचती है, छोटे छोटे टुकड़ों को, वही टुकड़े शेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे अब आप जान गए होंगे। अब मान लो किसी भी कंपनी का अगर आपने शेयर खरीदा, अब वो कंपनी अगर ग्रो करती है, बढ़ती है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो उसमें जो है आपके शेयर बढ़ेंगे, आपके शेयर के दाम भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब आपके शेयर के दाम बढ़ेंगे तो जो आपको प्रॉफिट होगा, जो फायदा होगा, तो वो फायदा आपका होगा, उसका मालिकाना हक आपका होगा, उस पर जो है आपका मालिकाना हक होगा। अगर मान लो कंपनी गिर जाती है, यानी कंपनी ग्रो सही ढंग से नहीं करती है, कंपनी लॉस में जाती है, तो आपके शेयर जो है वो डाउन होने लगते हैं, तो वो जो आपको नुकसान होगा उसका भी नुकसान आपको ही झेलना पड़ता है। तो अब जानते हैं शेयर बिकता कहाँ है। शेयर जो है इंडिया में दो जगह बिकता है, बॉम्बे स्टॉक मार्केट जिसे BSE कहते हैं, नेशनल स्टॉक मार्केट जिसे NSE कहते हैं। तो यहाँ पे आप इन्हीं दो स्टॉक मार्केट से जो है आप शेयर NSE और BSE से खरीद सकते हैं। यहाँ पे सभी कंपनियां लिस्ट होती हैं, जैसे टाटा, रिलायंस के शेयर, टाटा के शेयर, बहुत सारी कंपनी के शेयर यहाँ पे बिकते रहते हैं, आप खरीद सकते हैं। अब आप डायरेक्ट तो खरीद नहीं सकते, यहाँ पे आप जो है इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है। यहाँ पे आप जो है अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के आप उनके शेयर आसानी के साथ अपने मोबाइल से ही खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाना है, जैसे आप अपस्टॉक, जरोधा, बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, चाहे जिस भी बैंक में अकाउंट है, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कहेंगे तो आपका वो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल के दे देंगे। तो इससे भी आप जो है वहाँ बैंक के अंदर भी आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं शेयर खरीदने के लिए। अब मान लो किसी भी कंपनी का जब आप शेयर लेते हैं तो आप जो है उसे पैसे देते हैं अपने, और वो कंपनी आपको अपने जो है कंपनी का हिस्सा दे देती है जो डिजिटल फॉर्म में होता है। ये आपको उसी डीमैट अकाउंट में दिखता है, एक जितना शेयर खरीदेंगे उतना शेयर दिखता है। यही आपका जो है वो डॉक्यूमेंट होता है, यानी यही आपका प्रमाण होता है कि हमने इतने
शेयर जो है इस कंपनी का इतना मालिकाना हक हमने खरीदा है, जो आपको शेयर मिलते हैं वही आपका प्रमाण होता है, वही आपको जो है वो कंपनी का प्रमाण होता है कि हमारे कंपनी में ये इंसान इतने का मालिकाना हक रखता है, खरीदा है। तो आप इसी प्रकार से जो है कर सकते हैं। तो जैसा कि अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, शेयर क्या है और इसे कहां से खरीदना है और इसके खरीदने के लिए आपको क्या खुलवाना है यानी आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। तो अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अपने चैनल पे दो प्रकार की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड और एटीएम और बैंकिंग से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। फिलहाल ये मेरा शेयर मार्केट का पहला वीडियो है। मैं आने वाले दिनों में शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता रहूँगा। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं अभी कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा।